हेलो गाइस, कैसे हो? आशा करता हूँ ठीक हो। तो दोस्तों, चलिए सब्सक्राइब करिए आरपीडी चैनल को और बेल का आइकन को भी दबाइए ताकि तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। तो गाइस, इसलिए आपको जरूर पड़े कि पिक्सल लैब एंड पिक्सार, ठीक है ना? तो गाइस, चलिए पिक्सल लैब को ओपन करती हूँ। जिस तरह से मैं बोलूँगा उस तरह से करोगे तो अच्छी लगेगी, ठीक है? हाँ, देख रहे हो जो यहाँ पे न्यू टेस्ट लिखा है, न्यू टेस्ट को यहाँ से इधर डिलीट है, डिलीट को बटन को दबाइए, डिलीट कर देना पड़ेगा, ठीक है ना? तो इसके बाद क्या करना पड़ेगा, इसके बाद करना पड़ेगा, तो गाइस डिस्प्ले को मैं रोटेशन कर लिया हूँ पहले, फिर दिखा दो। तो गाइस यहाँ पर दिख रही हो जो ये लास्ट वाले ऑप्शन पे जाओ और इस कलर वाला ऑप्शन पे जाओ। कलर वाला ऑप्शन के जाने के बाद यहाँ पे ये सेकेंड वाला मूड कर लेना होगा, ये प्लस का आइकन पे दबाना होगा, ठीक है ना? तो इसके जो कलर है यहाँ पे यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ से तुम यहाँ से ये कलर वाला ऑप्शन पर जाकर कलर में जाओ और जो मन चाहे साइड का कलर जो भी यहाँ पे बहुत सारे हैं, यहाँ से तुम मेरा तो येलो अच्छा लगता है तो येलो ले लेता हूँ, ठीक है? तो येलो लेने के बाद मैं यहाँ पे सब कुछ क्लिक कर दूँगा और यहाँ से कर दूँगा डन। क्लिक करने के बाद यहाँ से लेफ्ट में ये वाला जो हिस्सा है इसको एक बार क्लिक करूँगा। इसके बाद ये कलर वाला ऑप्शन पर जाऊँगा। कलर वाला ऑप्शन के बाद यहाँ पे डन करने के बाद उसके बाद तुम्हारा जो चैलेंज का नाम या कुछ भी चैलेंज का नाम बोलो, एडिट करते हो, एडिट का जो कुछ भी आप कर सकते हो यहाँ से। तो देखिए मैं कर लेता हूँ, मेरा आज एडिट होना है। और यहाँ पे जाना पड़ेगा सर्विस, यह प्लस वाला आइकन पे जाना पड़ेगा, प्लस वाला टेक्स्ट वाला आइकन पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे न्यू टेक्स्ट है, इसके इसके ऊपर डबल टैप करना पड़ेगा। इसके ऊपर फिर से आपका जो आरपी तो कोई क्या बोलते हो तो कुछ बाकी रहेगा, इस इतना रहेगा। तो इसीलिए तुम्हारा जो सबका चलन है तो मेरा चलन है आरपी एडिट, तो मैं लास्ट में एडिट लिख दूंगा। एडिट लिखने के बाद यहाँ से डन और ये वाले को भी मैं बड़ा कर लूँगा साइज। बीच रखना पड़ेगा, ठीक है ना? मैं प्लस करती हूँ तो गाइस कुछ इस टाइप का रखना पड़ेगा। तो इस टाइप का रखने के बाद यहाँ से देखो इस क्या इस टेक्स्ट पे इतने खास नहीं बन रही है, यहाँ से तुम चेंज कर सकती हो। तो मैं चेंज कर लेती हूँ फॉन्ट, तो कुछ भी चाहे तो यहाँ से कर लेती हूँ। मेरा ये वाला अच्छी रहेगा, ये वाली
दोनों एक होगा तो उतनी खस नहीं लगेगा, तो इसलिए इसका भी कुछ लगा लेता हूँ। तो नहीं सब कुछ मैं देखता हूँ, जो अच्छी है उसको बिठा दूंगा। तो गाइस मुझे ये वाले सबसे अच्छे लगते हैं, तो ये वाले मैं बिठा दिया हूँ। तो देखते हैं गाइस इतनी हो ओके कितना है। ठीक है तो हो गया। इसके बाद क्या करना पड़ेगा, ये आरपी लिखा है इसके ऊपर, यहाँ पर क्लिक करनी पड़ेगी और यहाँ से स्क्रीन बनाई क्लिक करनी पड़ेगी और यहाँ से कॉपी कर लेनी पड़ेगी और फिर हाइट एंड लॉक दोनों करके नहीं करेगी, तो यह से इसको कम कर देंगे। सॉरी करने के बाद यहाँ से हो गया और इसका ये जो शैडो वाला है ना, शैडो वाला हिस्सा तुम कैसे डाल सकते हो, तो यहाँ से इस आरती को या कुछ भी हो उसको क्लिक करना और यहाँ से नीचे आ जाने के बाद थ्री डी टिक्स लिखा, इसको नापल करना पड़ेगा, इसको क्लियर करना पड़ेगा और डीप को फुल कर देनी पड़ेगी और यहाँ पे कलर करनी पड़ेगी, यहाँ पे कलर को ब्लैक करनी पड़ेगी। ब्लैक करने के बाद यह ये लगभग 340 यहाँ पे ये पूरा जीरो कर देना पड़ेगा। इसके बाद डन करते हैं, इसके बाद एडिट कर दी वही हिस्सा एडिट एडिट टाइप से करनी पड़ेगी और इसके लिए जाएगा यहाँ पर एक जैसा जीरो एकदम बढ़िया से डन। तो गाइस ऐसे देख रहे हो जो इतनी खास नहीं लग रही है, ठीक है ना, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो ये वाले को सिलेक्ट करनी पड़ेगी, इस दोनों को सिलेक्ट करनी पड़ेगी, दोनों के सॉरी गाइस और इसके बाद ये वाले जो मार्च है इसको क्लिक करना पड़ेगा और एडिट एंड आरपी दोनों को हो गया, ठीक है ना। तो गाइस इसके बाद ऐसे इसको बंद कर देंगे, बंद करने के बाद ऐसे ऊपर से कम करेंगे
तो ये अपने इतने खास नहीं लग रहे, जो देखा नहीं मैंने कहीं ना कॉपी करने को बोला आर डी एन ए को इसलिए था मैं चाहो और इसमें से हाई आना सब कर सकते तो देखो गाइज हो गया हमारा आरपी जो यहाँ पर है आरपी को यहाँ से तुम कलर भी चेंज कर सकती हो। तो यहाँ से ये वाले टूट पर जाओ, इसके बाद ये तो साइज है, ये देखो कलर कलर का जाकर तुम प्लस का आइकन पर जाकर देख लेते हैं चलिए। तो ये कलर अच्छी लग रही है ठीक है ना, तो यहाँ से डन। और अब तक इसके बाद ये जो ऐसे ये वाला जो सेट का है सेट के इसके ऊपर क्लिक करने पड़ेगी, इसके बाद सेव एज कुछ इमेज यहाँ पर क्लिक करनी पड़ेगी। और इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख रहे हो तो ये क्वालिटी है ना, क्वालिटी भी कुछ नहीं करना, ये तो अल्ट्रा का मिलेगा अल्ट्रा क्वालिटी अल्ट्रा तो हो गया हमारा। और इसके बाद जाना पड़ेगा पिक्सल में, तो पिक्सल में चला जाती हूँ। तो इसके बाद जाना है ड्रॉ वाला ऑप्शन पे, ड्रॉ में जाओ। सॉरी गाइस मेरा एक भूल हो गया, सॉरी यार। पहले जाना पड़ेगा यहाँ पर और यहाँ से जाना पड़ेगा, तो गाइस एक वाइट बैकग्राउंड ले लेनी पड़ेगी। इसके बाद ड्रॉ में जाना पड़ेगा, ड्रॉ में चले आए। इसके बाद जो फोटो को किया था इस वाले ऑप्शन के बाद फोटो में कर इस वाले फोटो को ऐड कर लेंगे। तो गाइस ऐसे डन, फोटो आ गए। इसको एकदम परफेक्टली लगाना है यहाँ पे, हो गया। और यहाँ से कर देंगे डन। और गाइस यहाँ तक होने के बाद आपको जाना पड़ेगा इस टूल वाला ऑप्शन पे। टूल वाला ऑप्शन के बाद सॉफ्ट क्रॉप है, सॉफ्ट क्रॉप पे क्लिक करनी पड़ेगी और यहाँ से गोल वाला आइकन क्लिक दबा देना होगा। तो यहाँ से अपने मुताबिक से गोल या यहाँ पे बहुत सारे यार जो पसंद आए वो कर सकते हो। तो सबसे सर्कल अच्छी लगेगी तो इसलिए सर्कल रखता हूँ, सर्कल रखने वाला यहाँ से ऐसे करता हूँ। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो साइज है, ये साइज का जो ये है उसका साइज, तो इसका साइज में लगभग 12 लगता और इसका कलर इतना ये चल दिया। चलो इसको सेव करते, सेव करने के बाद दिखा दी, सेव हो गया। तो गाइस सेव हो गया और यहाँ से ड्रॉ पे जाओ, ड्रॉ पे जाकर यहाँ से सेव इमेज पे क्लिक करो और सेव हो गया। तो गाइस देख लो एडिट एकदम कंप्लीट, ठीक है ना गाइस। तो चलो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना।